हेलो फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। दोस्तों, आईटी सेक्टर के बारे में अलग-अलग तरह के ओपिनियन मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। अलग-अलग मीडिया हाउसेस में अलग-अलग ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर वोलेटाइल है और रीसेंट टाइम में हमने देखा एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। तो दोस्तों, क्यों हम इन सब बातों पे ध्यान दें और क्यों ना आईटी सेक्टर की स्वयं टेक्निकल एनालिसिस करें, निफ्टी आईटी की टेक्निकल एनालिसिस करें और अपने आप को अपडेट कर लें। लेकिन प्राइस चार्ट पर चलने के पहले मैं एक बहुत फेमस कोट को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वैसे पहले भी आपके चैनल में इस कोट को शेयर किया जा चुका है और इनके बारे में चर्चा करके मैंने एक वीडियो भी बनाया था। यह है कोट फ्रॉम द लेजेंडरी ट्रेडर जॉर्ज सोरोस। उन्होंने बोला था, वोलाटिलिटी इज द ग्रेटेस्ट अ टर्निंग पॉइंट्स, डिमिनिशिंग एज अ न्यू ट्रेंड बिकम्स एस्टैब्लिश्ड। तो अभी निफ्टी आईटी में देखा, वोलाटिलिटी ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिर जाता है। तो ये वोलाटिलिटी क्यों है? क्योंकि शायद ट्रेंड रिवर्सल की संभावना हो सकती है और बहुत स्ट्रांग तरीके से हो सकती है, जैसा 6 महीने 8 महीने पहले बैंक निफ्टी ऑफ फाइनेंशियल्स के चार्ट में हमने देखा था, और अब वो एक प्रोवन अप ट्रेंडिंग मूव में है। तो क्या आईटी इस तरह की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है? आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन द मीन टाइम वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं, जहां निफ्टी आईटी सेक्टर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर समझने की कोशिश कि प्राइस एक्शन हमसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी आईटी सेक्टर के प्राइस चार्ट को। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मंथली प्राइस चार्ट नहीं है, ये प्राइस चार्ट है 2 महीने का एक प्राइस चार्ट है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर कैंडल जो है वो 2 महीने में एक कैंडल बनी है इस चार्ट पर। क्या कारण है कि मैंने 2 महीने के प्राइस चार्ट को चुना? क्योंकि मार्केट जब वोलाटाइल रहता है तो मार्केट की वोलाटिलिटी हमें कंफ्यूज करती है, और उस समय पे मार्केट के वोलाटिलिटी को मिनिमाइज करके प्राइस एक्शन को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ गौर से देखें दोस्तों इस प्राइस चार्ट में, कि यहाँ पर 2008-2009 के बेयर मार्केट में प्राइस जो है वो चली गई EMA 55 के नीचे, लेकिन बहुत दिन सस्टेन नहीं की, रिकवर हुई और मई 2009 में यहाँ देखें ये प्राइस EMA 55 के ऊपर चली गई। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? कि उसके बाद मई 2009 के बाद कभी भी प्राइस EMA 55 के नीचे नहीं गई। तो डिकेड से ज्यादा हो चुका है। इसके बाद जब भी करेक्शन हुआ है, EMA 21 पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने, यहां पर भी सपोर्ट लिया है, यहां पर भी सपोर्ट लिया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक लार्ज लोअर शैडो बनी जिसने सपोर्ट लिया, शैडो बेसिस पर लो बनाया EMA 55 पर। अब आज की डेट में हम यहां पर कुछ प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्राइस एक्शन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पर एक राइजिंग प्राइस चैनल खींचने की कोशिश करता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। ये मैंने चैनल खींचा और यहां पर मैंने ये चैनल खींचा। अब देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और इसके बाद इस जगह पे प्राइस ने इस राइजिंग प्राइस चैनल के मीडियन को तोड़ा, उसके बाद मीडियन सपोर्ट बन गया, यहाँ सपोर्ट बना, इस जगह पे सपोर्ट बना। अब क्या कर रही है प्राइस कि इस जगह में आके देखिए, इसका ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2020 में, इस राइजिंग प्राइस चैनल के अपर फाइबर का ब्रेकआउट हुआ जो बहुत सिग्निफिकेंट था। तो अब दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज के हिसाब से क्या होगा, अपर फाइबर जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और वही आपको नजर आ रहा है। पिछले तीन कैंडल्स को देखें जो पिछले 6 महीने की कैंडल को मोरलेस रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हम 2 महीने के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, तो ये अपर फाइबर पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है जो कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 का।
और EMA 21 की वैल्यू क्या है आज की डेट में, वो है 25,774। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लेवल को मार्क करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को फिक्स करते हैं 25,774। ये मैंने मार्क कर लिया और इसे मैं लिख देता हूं 25,774। ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये EMA 21 का लेवल है जहां प्राइस ने कई बार सपोर्ट लिया है, कई बार सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस अब सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्या हम कुछ प्राइस एक्शन देख सकते हैं, मैं इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये देखिए मैंने एनलार्ज किया, इस कैंडल को ध्यान से देखें, ये जो कैंडल है जिसका निर्माण हुआ है जनवरी 2021 में, एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है और इसका हाई क्या है 27,176। तो इसे मार्क करते हैं, 27,176 को मैं मार्क कर रहा हूं, 27,176 के पॉइंट को मार्क कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट को फिक्स करते हैं, 27,176 के कोऑर्डिनेट को मैंने फिक्स कर दिया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, प्राइस का यहां पर एक रेजिस्टेंस था, बैक टू बैक दो कैंडल को देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, और अब यहां पर जब ये रीसेंट टाइम में करेक्शन हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया डिमांड एरिया के रूप में एक्ट कर रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो ये दो कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, ये कहीं ना कहीं इसके लो को देखें सिमिलर लो जैसा नजर आ रहा है, ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो यहां पर इसके लो को मार्क करते हैं 26,189। तो चलिए इसे मैं मार्क करता हूं 26,189 को मैं प्राइस चार्ट पे मार्क करता हूं, 26,189 के लेवल को मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 26,189 का। ये देखिए मैंने इसे मार्क कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर ट्वीजर बॉटम जो बना है ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों कैंडल की सब्सटैंशियली लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है। अब यहां पर गौर करने वाली बात और है, मैं आपको इस जगह पे और एनलार्ज करके दिखाता हूं। ये देखिए दोनों कैंडल में एक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है, इसे मैं मार्क करता हूं। यहां देखिए पॉइंट ऑफ रिजेक्शन मार्क हुआ और इसने हाई बनाया क्या 30,474 का, इसे मैं मार्क करता हूं 30,474। ये दोस्तों मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि अगर आप बिगनर हैं स्टॉक मार्केट के तो आप इसे समझ पाएंगे कि एनालिसिस करने का सही प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए करंट मंथ की कैंडल, ऑल दो बेरिश कैंडल है, लेकिन इसने क्या किया है, ये इस कैंडल को के हाई को तोड़ा है। इसका मतलब किसका हाई तोड़ा है, करीब 5-6 महीने पुराने हाई को इसके ऊपर में ट्रेडिंग हुई है, जो इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और ये प्राइस का रिजेक्शन है, मार्केट वोलेटाइल है, जॉर्ज सोरेस ने भी बोला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पर। अब यहाँ वीकली प्राइस चार्ट पे ध्यान से देखिए, यहां पर ये लेवल जो हमने मार्क किया था, ये डबल बॉटम फॉर्म हुआ, बॉटम या ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं, बॉटम वन बॉटम टू बॉटम थ्री, इसके अपेक्स के ऊपर में यहाँ क्लोजिंग हुई, फॉलो थ्रू नहीं हुआ कोई बात नहीं, करेक्शन हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है एब्सोल्युटली अपर फाइबर में, जो प्राइस चैनल, राइजिंग प्राइस चैनल को हमने ड्रॉ किया 2 महीने वाले चार्ट में, उसके अपर फाइबर पे ये बुलिश पिन बार बन रहा है। अगर हम यहाँ के रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, ये देखिए मैंने खींचा, तो देखिए प्राइस ने करीब करीब 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है और पिन बार का फॉर्मेशन बन रहा है। तो चलिए ये इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि 28,000 का लेवल बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल बन जाता है, क्योंकि गोल्डन रेशियो है वीकली प्राइस चार्ट पे, इसे मैंने मार्क कर लिया। इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं ताकि जब हम डेली प्राइस चार्ट पे चले ये हमारे चार्ट पे नजर आना चाहिए। तो दोस्तों अब क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में इसका ब्रेकआउट हुआ, एक कंसोलिडेशन का जो रेंज बाउंड थी प्राइस, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ब्रेकआउट, और एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि प्राइस फिर से इस जोन में आ गया है। अब यहां पर एक और चीज हो सकती है,
क्या ये तैयारी कर रहा है एक मेजर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, तो ये आपको लगता है लेफ्ट शोल्डर है, ये मल्टीपल हेड्स है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर के बारे में हमने ट्यूटोरियल वीडियो आपके चैनल पे बनाया था, आपने देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये राइट शोल्डर बनाने की प्रक्रिया में नजर आ रहा है। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया और ये राइट शोल्डर का शायद ये निर्माण करती हुई नजर आ रही है जो प्राइस एक्शन से विदित होता है। एक चीज तो तय हो गया कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है जो बैक टू बैक दो वेक की कैंडल इस बात को सजेस्ट कर रही है। और इसके पहले भी यहां पर देखें 61.8% का लेवल है 28,000 पे। तो अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। अब यहां पर देखिए 27,176 का लेवल है जो हमने मार्क किया मंथली प्राइस चार्ट में। क्या यहाँ पे फाइन ट्यून हम कर सकते हैं? यस, यहाँ पे फाइन ट्यून करने की आवश्यकता भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 अक्टूबर को एक गैप का फॉर्मेशन हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड का फॉर्मेशन था, इस अक्यूमुलेशन बैंड का ब्रेकअवे गैप के साथ में फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस में एक गैप क्रिएट हुआ, ये गैप हो गया। अब इस गैप की वैल्यू क्या है? 27,011 है, तो इसे हम मार्क कर देते हैं 27,011। तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया 27,011 के लेवल को। अब आप देखिए ये एनालिसिस करने से जब हमने टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट किया तो हमें क्या समझ में आया कि वर्स्ट सिनेरियो जो मुझे नजर आ रहा है, मैं अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा हूं, बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप इसे और कितना डिटेल में एनालिसिस करते हैं, कि ये जो डिमांड एरिया है जो मैंने ड्रॉ किया इसके नीचे जाने की संभावना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मेरे नजरों में आ रही है निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स में। अब यहां पर देखें आज की कैंडल क्या हुआ, एक लार्ज लोअर शैडो है और ये जो राइजिंग प्राइस चैनल हमने 2 महीने के चार्ट पर ड्रॉ किया इसी के ऊपर में आके प्राइस सपोर्ट ले रही है। इसके पहले भी प्राइस ने क्या किया था, यहां ध्यान से देखिए गैप डाउन कैंडल ओपन हुई थी और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पर इसमें बाइंग आई है और ये बाइंग आई है कहां पर, अपर फाइबर जो राइजिंग प्राइस चैनल का है वहां पे बाइंग आई है। तो मेरे नजरों में ये अब करेक्शन की करीब करीब समाप्ति हो गई है। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पर हमें कुछ बातें नजर आती हैं, इस जगह के लेवल को देखें और यहाँ पर देखें तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी जिसे MDRP बोलते हैं वो भी RSI पे नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टोकास्टिक जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। एक बार और मैं बता दूं यहाँ पर भी देखिए स्टोकास्टिक जो है अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और ये परसेंटेज के है वो कहीं ना कहीं टर्न हो रहा है। मंथली चार्ट में देखें तो यहाँ पर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, स्टोकास्टिक इंडिकेट करता है। तो ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि आईटी सेक्टर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और अब ये जो डिमांड एरिया हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से निकाला इसके रिस्पेक्ट करने की संभावना बहुत बढ़ गई है। तो हम बोल सकते हैं फाइनल कंक्लूजन 27,000 इज द बेस विथ व्हाट द आईटी सेक्टर हैज क्रिएटेड इन निफ्टी आईटी प्राइस चार्ट। फ्रेंड्स ढेर सारे लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार।